हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से होंगे और अपना और अपने गार्डन का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ कटिंग्स को लगाने के लिए बता रही हूँ, जो काफ़ी इजी टू ग्रो है, जो कटिंग के थ्रू काफ़ी आसानी से लग जाती है और विंटर में हमारे गार्डन को बहुत ही शोभा देती है और बिना एक रुपया खर्च किए हम अपने विंटर गार्डन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डालिया की कटिंग लगाने बताऊंगी, उसके बाद क्रिसेंथीमम, फिर विंथस, फिर विंका। और चलिए इस तरह से हम लोग वन बाय वन सारे कटिंग्स को लेना और लगाना सीखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने गार्डन के इस पार्ट पर जहाँ मैंने डालिया के बल्ब को सेव करके रखी हुई थी इस पॉट में। और डालिया के बल्ब को मिट्टी में ही मैंने सेव करके रखी थी, उसी पॉट में छोड़ दिया था। आप चाहे तो ग्रो बैग में डालकर भी डालिया के बल्ब को छोड़ सकते हैं। और ये देखिए, ये इसकी ग्रोथ है। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी तो इसमें उतने अच्छे फ्लावरिंग नहीं होगी, और इसकी मैं कटिंग लगा लूंगी तो बहुत ही अच्छे से इसमें बिग साइज़ के फ्लावरिंग होंगे। डालिया को हम लोग तीन तरह से प्रोपगेट कर सकते हैं, ट्यूब के जरिए और कटिंग के थ्रू और सीड के थ्रू। तो सीड से ग्रो किए हुए डालिया फ्लावर जो होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे आते हैं, और ट्यूब्स के द्वारा जो हम लोग ग्रो करते हैं वो भी ठीक होते हैं। लेकिन ट्यूब को फिर उसको पॉट में नहीं छोड़ना होता है, उसको निकाल कर अच्छे से फंजीसाइड वगैरह लगाकर अच्छे से ड्राई प्लेस पर सेव करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। और तीसरा सबसे ईजी तरीका है कटिंग के थ्रू। तो मार्केट में इसके प्लांट्स लगे लगाए भी मिलते हैं, लेकिन अपने गार्डन से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कुछ लेते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चलिए मैं कटिंग को लेती हूँ। तो हमें देखिए इस तरह के इतनी बड़ी कटिंग हम लोगों को चाहिए, 2 से 3 इंच की कटिंग भी लेने से चल जाएगी हम लोगों को। तो इस तरह से मैं कटिंग को ले लेती हूँ, और मैं अपना कैंची लाना भूल गई, कैंची से काटने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए, मैं डालिया की कटिंग ले ली हूँ, तो एक और कटिंग मैं ले लेती हूँ। तो अब चलिए मैं कुछ और कटिंग ले लेती हूँ, क्रिसेंथीमम की कटिंग, डायंथस की कटिंग, सारा एक एक करके ले लेते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर डायंथस के प्लांट को सेव करके रखी थी, काफ़ी अच्छा ही सेव हो रहा था, लेकिन इन दिनों बारिश के मौसम में थोड़ा सा ख़राब लग रहा है इसकी कंडीशन। तो ये कटिंग मैं इतना ली हूँ, तो 2-3 कटिंग ले लेती हूँ, क्योंकि कभी भी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग्स लगानी चाहिए ताकि सक्सेस रेट अच्छा मिले हमें। तो ये 3 कटिंग मैं ली हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको जीनिया की कटिंग को भी आपको विंटर में लगा लेना चाहिए। तो चलिए मैं अब आपको जीनिया की कटिंग भी लेना बताती हूँ। तो इस तरह से जो साइड से जो ब्रांचेस निकलती है वो हम लोगों को यहाँ से ले लेना है। मैं सीज़र लेती हूँ दोस्तों, और इस तरह से कट कर लेना है। दोस्तों, अब मैं इम्पैशन की कटिंग लूँगी। देखिए इसका कंडीशन कितना ख़राब है, तो इसमें अच्छा फ्लावरिंग नहीं होगा। तो इसकी मैं कटिंग ले लेती हूँ, और इस तरह से अब मैं क्रिसेंथीमम की कटिंग ले लेती हूँ। ऊपर की टिप की कटिंग हम लोगों को लेना है, इतनी बड़ी बड़ी, ये 2 कटिंग ली हूँ। दोस्तों, मैं विंका की कटिंग ले लेती हूँ, जो काफ़ी आसानी से लगती है। तो टिप की कटिंग को लेना है हमें, इस तरह से मैं 2 कटिंग ले लेती हूँ। और ये सारे कटिंग मैं लेकर आ गई हूँ दोस्तों, और अब मैं एक ग्रो बैग रेडी करती हूँ और इसमें मैं सॉइल को भरती हूँ ताकि इसमें मैं कटिंग को जल्दी से लगा पाऊँ। एक ग्रो बैग में मैं एक लाइट मीडिया को भर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी मैं कटिंग आप लोगों को लगाकर बता पाऊँ। तो दोस्तों चलिए अब इन कटिंग्स को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं डालिया की कटिंग को तैयार करती हूँ। ये देखिए, ये नीचे की लीफ को रिमूव कर देना है इस तरह से, और ये टेढ़ा वाला भाग को हटा देना है दोस्तों यहाँ से।
ताकि ये सीधा रह पाए। और ये लीफ को मैं हटा रही हूँ। ये ऊपर वाली लीफ को भी मैं हटा दे रही हूँ। इसी तरह से इसको भी मैं रेडी करती हूँ। तो इस तरह से ये रेडी हो गया। अब क्रिसैंथेमम की कटिंग को भी रेडी करती हूँ। ये देखिए, नीचे की पत्तियों को हटा देना है ताकि मिट्टी से बिल्कुल भी टच नहीं हो लीफ। इस तरह से ये रेडी हो गई और नीचे की लीफ को बिल्कुल हटा दें। और ये भी रेडी हो गई। फिर सारे कटिंग्स की इसी तरह तैयार करना है। ये जीनिया का है और इम्पैशन का तो देखिए ऑलरेडी इसमें लीफ है ही नहीं। लीफ बिल्कुल भी मिट्टी में टच नहीं होना चाहिए और नोड एरिया का ख्याल रखना। और बिंका की भी देखिए, मैं सारे लीफ और ये सीड पॉट हैं इन सब को रिमूव करती हूँ। और ये रही इम्पैशन की कटिंग और डाइंथस के कटिंग। डाइंथस के भी इसी तरह की नीचे की लीफ को रिमूव कर रही हूँ मैं। इस तरह से जितने ख़राब सूखे पत्ते हैं सबको हटा देना है, क्योंकि जो कटिंग के थ्रू हम लोग न्यू प्लांट तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छा बड़ा बड़ा उसमें फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों, मैंने देखिए इन कटिंग्स को रेडी कर लिए। नीचे से इन सभी की लीव्स को हटा दिया है और तिरछी कट कर ली है। तो चलिए अब इनको मैं ग्रो बैग में लगाती हूँ। तो दोस्तों, मैंने ग्रो बैग रेडी कर ली है और ग्रो बैग में पानी भी डाल दी है और एक स्टिक की मदद से मैं होल बना ले रही हूँ। और मैंने होल बना ली है। अब मैं डालिया की कटिंग को दो नोड तक अंदर मिट्टी में डाल दूँगी और अच्छे से प्रेस कर दूंगी दोस्तों। और कभी भी कटिंग लगाकर इसे धूप में नहीं रखना है, छायादार जगह में रखना है। और अब मैं जीनिया की कटिंग को भी एक नोड दो नोड डाल दे रही हूँ इस तरह से। और क्रिसैंथेमम की कटिंग को भी इतना डाल देना है अंदर। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है दोस्तों। और ये रहा बिंका, ये देखिए इसमें भी एक नोड दो नोड। तो दो नोड का ख्याल रखते हुए हमें अपने सारे कटिंग को डालना है और अच्छे से दबा देना है। और अब मैं ये देखिए इसको भी इतना मैं मिट्टी में दूंगी। और इस तरह से डाइंथस के कटिंग को भी मैं लगा दे रही हूँ। और जो लीफ मिट्टी में सट रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो उनको भी रिमूव कर दीजिए। और अब इम्पैशन की कटिंग को लगा रही हूँ। इम्पैशन के कटिंग में थोड़ा सा पानी भरा रहता है तो इसको ओवर वाटरिंग से बचा के रखना है। तो इस तरह से कटिंग लग गई दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो अब इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गो विद ग्रीन। हैप्पी गार्डनिंग।